जम्मू और कश्मीर के मुतअद्दिद इज़ला में 20 अक्टूबर की रात को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बीएसएफ के जवानों ने भारी बर्फबारी के दरमियान गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त किया। सोनामर्ग भी शदीद बर्फबारी की वजह से सफेद हो गया है। आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर के सोनामर्ग और गुलमर्ग के कस्बे सफेद हो गए हैं, क्योंकि इस खित्ते में जुमेरात को यानी कि 20 अक्टूबर को सुबह के औकात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के दरमियान बारामूला के गुलमर्ग सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान गश्त कर रहे थे। बीएसएफ के दस्ते गुलमर्ग, कटोरी और इसके आसपास के ऊंचे पहाड़ों की पहली बारी बर्फबारी का मुकाबला करते हुए पीर पंजाल रेंज की बहादुरी से हिफाजत कर रहे हैं। वहीं कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी देखी गई है। वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिला का सोनामर्ग भी मौसम की पहली बर्फबारी के साथ सफेद हो गया है। वादी गुरेज में भी बर्फबारी की इत्तला मिली है, जो हिमालय की बुलंदियों पर वाक़ है। इसी बीच मुगल रोड, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे से वादी कश्मीर में मुतबादल रास्ता फरहम करती है, को भी दरमियानी रात के दौरान शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पर फिसलन के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो मुगल रोड की हालत के बारे में किसी भी अपडेट के लिए जम्मू के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करें। पीर की गली में भी 2 फीट के करीब बर्फ पड़ी है। ख्याल रहे, ये वादी कश्मीर को मुगल रोड के जरिए राजौरी और पुंछ जिला से जोड़ता है।